नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला में ईडी कार्यालय के बाहर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन हिडनबर्ग। 22 अगस्त 2024 यानी आज गुरुवार को देश भर में ईडी कार्यालयों के सामने कांग्रेस बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में राजधानी शिमला में कांग्रेस ने ईडी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता और ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट में भी ये बात कही और राहुल गांधी ने बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सारा बिजनेस देश का आज एक व्यक्ति के हाथ में चला गया है। अडानी जी, इसका जवाब क्यों नहीं देते? बार बार प्रधानमंत्री से भी कहा गया कि आप आकर इस इश्यू को एड्रेस करो, इसके ऊपर अपने बयानबाजी करो, तब हमको पता लगेगा कि क्यों ये हो रहा है। रविवार को हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा, जाने पूरी खबर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार 25 अगस्त को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मॉनसून सत्र में पेश होने प्रस्तावित विभिन्न विधायकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधेयकों के अलावा कर्मचारियों, पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते, डीए व एड को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ है उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। बता दें कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र 27 अगस्त से शुरू हो रहा है जो 9 सितंबर तक चलेगा। शिमला में कई जगहों पर भूस्खलन के बाद बचाव कार्य जारी, मलबे से बरामद किए गए 20 शव। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद बुधवार को शिमला में कई जगह भूस्खलन के बाद बचाव और बहाली के प्रयास जारी हैं। जिला प्रशासन के अनुसार मलबे से कम से कम 20 शव बरामद किए गए हैं। शिमला जिला प्रशासन ने स्थिति से निपटने और सड़क बहाली शुरू करने के लिए बुधवार को एक आपातकालीन बैठक की। उपायुक्त अनुपम कश्यप ने कहा कि परिवहन व्यवस्था और सड़क बहाली पर चर्चा करने के लिए सभी संबंधित विभागों को एक साथ बुलाया गया। अधीक्षण अभियंता ने एक बहाली योजना प्रदान की है और भूविज्ञानी स्थिति का आकलन करेंगे। इन सड़कों की बहाली के लिए एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि जहां तक समेत इलाकों में रामपुर की बाढ़ का सवाल है, तलाशी अभियान में अभी तक 33 में से 20 शव बरामद कर लिए हैं। बाकी शवों को बरामद करने के लिए तलाश जारी रहेगी। बरामद शव सतलुज नदी में तैरते हुए पाए गए। एक हफ्ते में 500 से 600 रुपए प्रति पेटी तक गिरे सेब के दाम, बागवान हुए निराश। शिमला जिले के फल मंडियों में सेब की आवक बढ़ना शुरू हो गई है, इसके चलते दाम में गिरावट आई है। एक हफ्ते में सेब के दाम 600 से 700 रुपए प्रति पेटी तक गिरे हैं। भट्टा कुंवर फल मंडी में एक हफ्ता पहले ए ग्रेड के सेब की पेटी 2400 से 3600 रुपए तक बिक रही थी। बुधवार को फल मंडी में यही सेब 2000 से 2800 रुपए प्रति पेटी तक बिका। दाम में गिरावट से बागवान निराश हैं। भट्टा कुफर फल मंडी में ठियोग से सेब की खेप लेकर आए बागवान रोहन नेगी ने बताया कि निचले और मध्यम इलाकों वाले सेब को हर वर्ष बेहतर दाम मिलते हैं। जब तक ऊंचाई वाले इलाकों में सेब सीजन शुरू होता है तो दाम नीचे गिर जाते हैं, ऐसे बागवानों को उनकी मेहनत का पैसा नहीं मिल पाता। घर से ट्यूशन गए 3 बच्चे हुए लापता, जांच में जुटी पुलिस। ऊना शहर के वार्ड 10 में बुधवार दोपहर को 3 नाबालिग बच्चे लापता होने की जानकारी मिली है। बता दें कि बच्चे घर से अपने साथ बैग में कपड़े भी ले गए हैं। तीनों बच्चे घर से ट्यूशन पर जाने के लिए निकले थे लेकिन ट्यूशन सेंटर पर नहीं पहुंचे। शिकायत के आधार पर पुलिस ने ऊना शहर की आधा दर्जन के करीब सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की है। कुछ कैमरों में बच्चे दिखे हैं। तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए पुलिस ने आसपास थाना व चौकी में उनके फोटो भी सर्कुलेट कर दिए हैं। पुलिस को दी शिकायत में मित्रपाल निवासी संभल उत्तर प्रदेश शाल निवासी ऊना शहर ने बताया कि उनकी बेटी कंचन और पुत्र मनोज और अंकुश पुत्र किशनपाल मंगलवार शाम 4 बजे ट्यूशन पढ़ने के लिए गए थे। शाम के समय बच्चे जब वापस घर नहीं आए तो वो ट्यूशन सेंटर पर पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि आज तो बच्चे ट्यूशन सेंटर ही नहीं आए हैं। उन्होंने बताया कि बच्चे घर से अपने बैग में कपड़े भी साथ ले गए हैं। पुलिस टीमें बच्चों की तलाश में जुटी हुई है, जल्द बच्चों को ढूंढ लिया जाएगा।
नवीं से बारहवीं कक्षा वाले स्कूलों से भेजे जाएंगे सरप्लस शिक्षक। शिक्षा मंत्री ने मांगी सूची। हिमाचल प्रदेश में अब प्राइमरी और मिडिल के बाद अब हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में भी शिक्षकों का नियुक्तिकरण शुरू होगा। नवीं से बारहवीं कक्षा वाले स्कूलों से आवश्यकता से अधिक नियुक्त शिक्षक शिफ्ट किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने उच्च शिक्षा निदेशालय से इसी माह सरप्लस शिक्षकों की सूची मांगी है। इसके अलावा 5 से कम विद्यार्थियों की संख्या वाले हाई और सीनियर सेकेंडरी स्कूल मर्ज करने को लेकर भी विचार शुरू हो गया है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि विद्यार्थियों की कम संख्या वाले उच्च और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों से कई विषय शिफ्ट होंगे। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला उपनिदेशकों से विद्यार्थियों के दाखिलों का ब्यौरा एकत्र कर लिया है। विषयवार और कक्षावार नामांकन की अलग अलग से जानकारी भी ली गई है। कई वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कुछ विषयों में विद्यार्थियों का नामांकन बहुत कम है। ऐसे विषयों को साथ लगते अधिक विद्यार्थियों की संख्या वाले स्कूलों में शिफ्ट करने का विचार है। लाभ के लिए खजाना लूटने नहीं दूंगा, मुफ्त के रेवड़ियों को छोड़ अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुटे सीएम सुक्खू। आत्मनिर्भर हिमाचल बनाने की दिशा में काम करने की सोच रखकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अब मुफ्त की रेवड़ियों से पीछा छुड़ाकर अर्थव्यवस्था को सुधारने में जुट गए हैं। उन्होंने प्रदेश में साधन संपन्न लोगों को बिजली व पानी पर मिल रहे उपदान को बंद कर दिया है। सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि इसका लाभ गरीब लोगों को मिलता रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीतिक लाभ के लिए वो सरकारी खजाने को लूटने नहीं देंगे। सरकार के पास विकास के लिए पैसों की कमी नहीं है, लेकिन पूर्व भाजपा सरकार ने प्रदेश की संपदा लूटाकर आर्थिक हालत बिगाड़ी है। राज्य की संपदा को आत्मनिर्भर हिमाचल के नीतिगत निर्णयों में बदलाव लाकर आगे बढ़ाने के लिए भी लगा रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में हिमाचल 18वें पायदान पर है, इसलिए सरकार शिक्षा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बदलाव लाने की ओर अग्रसर है। हिमकेयर योजना से निजी अस्पताल लाभ उठा रहे थे। जिस बीमारी का खर्च हजारों में होता है, उसके बिल लाखों में बनते थे।